गुना में 8 मजदूरों की मौत को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया और मजदूरों के परिवार को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना के लगभग 95% लोग ठीक हो रहे हैं, हमें अब बचाव के साथ कोरोना को लाइफ स्टाइल में शामिल करना पड़ेगा। गृह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुना में एक्सीडेंट में मारे गए मजदूरों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा घायलों का इलाज सरकार करा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसको लाइफ स्टाइल में शामिल करना पड़ेगा। कोरोना ने 95% मरीज बीमारी से ठीक हो जाते हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों से भी आप सावधानी बरतते हुए मिल सकते हैं। उनसे अवांछित रूप से दुनिया बनाना समाज में नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहा है, जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। जहांगीराबाद के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर मिश्रा ने कहा कि लोगों के लिए क्वारंटीन करने का सबसे अच्छा स्थान उनका घर होता है, ऐसे लोगों के उपचार के लिए समुचित प्रबंध करेंगे। आज एक दुखद हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया। अभी वर्तमान में हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं, उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है, हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। उसमें पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त आइसोलेटेड वार्ड हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, पर्याप्त पीपीई की किट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हमें जरूरत है वहां अभी भी हमारे अनेक बेड खाली हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन। चूंकि ये इंदौर में जब जमाती आए थे तो घनी बस्तियों में चले गए थे, निचली बस्तियों में चले गए थे। मेरी स्वयं की मान्यता तो ये आज भी है, जो पहले मैंने कहा वो अभी दोहराता हूं, कि 3 दिन के अंदर जो भी कोरोना का पेशेंट अस्पताल पहुंचता है उसकी निधन, दुखद निधन की संभावना मुश्किल से 2-4% रहती है। 95% वो ठीक होते ही। जो 5% है उसमें भी वो लोग हैं जो 65-70 से ऊपर होते हैं, अथवा उन्हें अस्थमेटिक कोई रोग होता है, कार्डिक हार्ट से संबंधित कोई रोग होता है, डायबिटीज से संबंधित, उन पर वो प्रभाव डालता है। कोरोना आम आदमी पर, स्वस्थ व्यक्ति पर ये प्रभाव, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी रोग रोधक क्षमता अच्छी है, उस पर इसका प्रभाव जुकाम खांसी की तरह ही होता है। जहां तक आप बात कोरोना की कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आज दोहरा रहा हूं कि इसको लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा। हमको इसकी सावधानियों के साथ में, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। हम कोरोना के पेशेंट से भी कभी कभी दूरियां बनाते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा नहीं। सावधानियों के साथ हम उनके पास रह सकते हैं, हम किट पहन के रह सकते हैं, बाकी चीजें पहन के रह सकते हैं, इतना उसको अछूत मान लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। और जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ठीक होने का रेशू सबसे अच्छा है, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। हम 50% के लगभग आ गए जिसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पास इलाज के और उसके सारे के सारे इंतजाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।